हे गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत आसान तरीके से पत्ता गोभी की सब्ज़ी। खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक यहाँ पर पत्ता गोभी लिया है। इसको मैं ऊपर का जो पत्ता रहता है वो हटा करके, और जो ये पीछे का जो भाग रहता है उसको मैं अच्छे से कट कर दूँगी। कट करने के बाद मैं इसको दो भागों में काट लूँगी। काटने के बाद इस तरीके से सब्ज़ी बनाने का दोस्तों बहुत अच्छा बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे कट कर दूँगी क्योंकि दोस्तों पता है मेरे घर में मेरे बच्चे पत्ता गोभी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। ऐसे सब्ज़ी बनाएंगे तो नहीं खाते हैं, इसलिए मैं नए तरीके से बनाती हूँ हमेशा। तो देखिए, ये मैंने पत्ता गोभी को हाफ कट कर दिया। उसके बाद इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद एक कद्दूकस से इसको कद्दूकस करना है। या आप चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं या बारीक काट भी सकते हैं। तो मैंने ये कद्दूकस से इसको घिसा है। तो इसको मैंने घिस लिया है। उसके बाद इसमें बेसन अपने अकॉर्डिंग के अनुसार डालूंगी। उसके बाद सब्जी मसाला, गूढ़ा सब्जी मसाला है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक। तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है उसको मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं ऐसे ही इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसमें तो खुद ही पानी रहता है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पानी डालेंगे तो ज़्यादा गीला हो जाएगा तो बनेगा नहीं। तो मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों वीडियो पर आप बने रहिएगा। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और तेल डाल रही हूँ। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अगर आप चाहें तो सरसों तेल भी ले सकते हैं। तो ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था इसको मैं गोल गोल कर लूँगी। गोल गोल करके इसको पेड़े जैसे बना करके मुझे तलना है। तो जब तक मैं ये बना रही थी तब तक तेल गर्म हो रहा था। तेल को पूरा देख लें कि तेल पूरा गर्म हो जाए, उसके बाद ही डालें। तो ये मैं देख रही थी तेल गर्म है कि नहीं। तो तेल पूरा मेरा गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने ये डालना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा और ट्राई एक बार ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये पूरा मेरा मिक्सअप चल चुका है पूरा। और मैं इसमें आप सरसों तेल डालूंगी क्योंकि मुझे सब्जी बनाना है इसका। तो ये मैंने सरसों तेल डाल दिया है। और उसके बाद मैंने प्याज लिया था, उसमें बारीक कट कर दूँगी। कट करने के बाद मैं इसको फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा था तब तक मैं इसके लिए मसाला तैयार कर दूँगी। मसाले में मैंने जीरा दिया है, खड़ा जीरा है, जीरा और मिर्च, गोल मिर्च तीनों है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूंगी। तो दोस्तों मेरे पास कली वाले लहसुन नहीं थे, आप कली वाले लहसुन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हरी लहसुन यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैं अच्छे से कट करके इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैंने चार मिर्च लिया था उसमें मैं डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसको तब तक मैं चलाती रहती हूँ बीच में क्योंकि कहीं जल ना जाए, इसका भी डर था। तो ये मैंने पानी देखिए दोस्तों, ये मैंने एक मसाला पीस लिया था, इसको मैं कटोरी में निकाल लूँगी। मैंने एक टमाटर लिया है, इसको मैं बारीक कट करके सारा टमाटर इस मिक्सर में डाल दूँगी क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना था। तो मैंने ये सारा इसमें डाल दिया है। उसके बाद डालने के बाद
बीच बीच में हम चलाते रहेंगे प्याज को, क्योंकि प्याज जल जाएगा तो चलेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अदरक लिया है और अदरक का भी सब मिक्स करके पेस्ट बना लेना। तो ये मेरा प्याज फ्राई हो गया था, मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से भूनते रहिएगा बीच बीच में, और मसाला भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी। हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है एक चम्मच के अनुसार, और बराबर इसको जो मैंने इस टमाटर और अदरक का पेस्ट बनाया था उसको मैं इसमें डाल दूंगी। डालने को देखिए बीच में मेरा बाबू आ गया, बोला कि मम्मी क्या बना रही है। तो फिर इसके बाद मैं इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर था इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद चला लूँगी। चलाने के बाद बार बार मैं इसको फ्राई कर रही थी क्योंकि चपक ना जाए। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद मैंने एवरेस्ट का तीखा लाल मिर्च लिया था, एवरेस्ट का लाल मिर्च है इसको मैंने डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तभी मेरा बाबू आ गया, बोला कि मम्मी क्या बना रही, पकौड़ी बना रही तो हमको भी दीजिए। तो मैंने उसको एक दिया क्योंकि उसका सब्ज़ी बनाना था, वो लोग तो ऐसे ही खा जाते हैं। जब मैं ये से बनाती हूँ तो वो लोग ऐसे ही ले लेकर खा लेते हैं, उन लोग को अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। उसके बाद मैंने ये मसाला भून करके उसमें पानी डाल के ढक दिया है क्योंकि उबाला निकल, देखिए इस मसाले में एक उबाल आ गया है। उसके बाद मैंने जितना भी फ्राई किया हुआ था पकौड़ी मैंने उसमें डाल दिया है। डालने के बाद चला करके उसको आप ढक दीजिए 5 मिनट के लिए, ज़्यादा मत पकाइएगा नहीं तो पूरा ये गल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई है। तो ये देखिए मेरा सब्ज़ी बन गया है, और मगरम रोटी के साथ सर्व कीजिए।